दोस्तों, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर इस समय क्या चीजें चल रही हैं आपको ना पता हो, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वार तीन के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अभी रिसेंट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि वर्ल्ड वार थ्री का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। इस समय पूरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस समय बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है वर्ल्ड वार थ्री हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अभी रिसेंट में जो घटना हुई है जिसको लेकर ये थोड़ा सा माहौल अभी बन रहा है, वो ये हुआ है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान देश के जनरल के, उनकी सेना का जो जनरल होता है, उनके जनरल की एयर स्ट्राइक से उसको मार दिया है। तो यहाँ पर ये जनरल का फोटो देख सकते हैं जिनको अभी हाल ही में अमेरिका ने मार गिराया है। जिस वजह से यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम बताना चाहूँगा कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के जो प्रमुख जनरल थे जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, हो सकता है आपने न्यूज़ में भी सुना हो, उनको एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अब यहाँ पर देखिए, ईरान देश जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा है और उसने अनाउंस कर दिया है कि हम इस चीज़ का बदला लेकर रहेंगे, हम खून का बदला खून से लेंगे। एक छोटा सा बयान अभी जारी हुआ था वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से, उन्होंने जिसमें वो बोलते हुए दिख रहे हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे। और साथ ही साथ में जिस समय में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ में आकर खड़े हैं। इनमें से सबसे बड़ा देश जो ईरान के साथ में दिख रहा है वो है रसिया। उधर अमेरिका का चाइना के साथ में भी कलेश चल रहा है, तो अमेरिका चाइना दुश्मन है, इस वजह से चाइना भी ईरान को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। यानी कि एक तरफ ईरान, रसिया, चाइना, ये सब एक तरफ मिल जा रहे हैं, उस तरफ है अमेरिका। तो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा माहौल बन सकता है। और मैं जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय एक न्यूज़ और पड़ी थी कि ईरान देश के अंदर में यूएस की जो एम्बेसी थी उस पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लेकर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बनता है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है कि हाल ही में ईरान ने किसे अपना नया कमांडर नियुक्त कर दिया है, चूंकि पहले वाले कमांडर को अमेरिका ने मार गिराया है, इस वजह से उसके बाद में जो दूसरे कमांडर बनाए गए हैं उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। ये इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस्माइल कानी, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्माइल कानी जो हैं उनको नया जनरल बना दिया गया है। इनसे पहले जो जनरल थे उनका नाम था कासिम सुलेमानी, जिनको अमेरिका ने मार गिराया था। अब उनके बाद में इस्माइल कानी को वहां का यानी कि ईरान का नया कमांडर नियुक्त कर दिया गया है। तो यहां पर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा इस्माइल कानी का, जिनको हाल ही में ईरान का नया जनरल बना दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर चूंकि ईरान इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो ईरान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए जो कि है तेहरान। ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल, और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। अगर बात करी जाए कि इसमें भारत का कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत के ईरान के साथ में पुराने समय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि ये जो अभी वहाँ का जनरल मारा गया है वो भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है और भारत के खिलाफ हमेशा बोलता रहता था, तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है कि भारत के लिए ये चीज़ अच्छी हुई कि वहाँ के जनरल को अमेरिका ने मार गिराया। अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के मैप में ईरान देश कहाँ पर स्थित है इसको देखना चाहेंगे हम लोग, तो ईरान का वर्ल्ड के मैप में ये लाल कलर से जो आपको देश दिख रहा है ये है ईरान देश की लोकेशन, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग इसी तरीके से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने के शौकीन हैं, तो फिर आप लोग पूरे साल का करंट अफेयर्स परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मंथ वाइज पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जल्दी से जाकर क्वालिटी कंटेंट को आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज़ आप लोग बताएंगे। तो हाल ही में WHO ने अनाउंस कर दिया है कि वो वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाएगा, तो WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FAO, तो यहाँ पर FAO का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ में इसका एक फोटो देख लेंगे जिसमें देखो लिखा है कि 2020
इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, ये WHO की तरफ से घोषित किया गया है। तो यहाँ पर किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को घोषित किया गया है? यहाँ पर एक महिला थी जो कि नर्स थी, जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल की 200वीं जयंती के को चिन्हित करने के लिए ही वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित कर दिया गया है। चूंकि फ्लोरेंस नाइटेंगल एक ब्रिटिश महिला थी और बहुत अमीर घराने से बिलोंग करती थी, इनको नर्स बनने का बड़ा शौक था। चूंकि ये बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी, इस वजह से इनके परिवार ने इनका बहुत अपोज किया, क्योंकि उस समय जो नर्स का पेशा था उसको बड़े छोटे दर्जे का पेशा समझा जाता था। इस वजह से इनके जो फैमिली वाले थे, इन लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया कि आप उस प्रोफेशन को ना अपनाएं। लेकिन जब इनकी बहुत तीव्र इच्छा देखी गई तो इन्होंने नर्स का वो व्यवसाय अपनाया और लोगों की सेवा करते हुए इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, जिस वजह से इनको इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है। चूंकि ये एक नर्स थी, इस वजह से इनकी जयंती के अवसर पर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, तो इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 12 मई को। चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने WHO की बात करी है, तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस समय WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम है ट्रेडोस अधानोम। ठीक है, एक प्रश्न SSC में कई बार पूछा जाता है कि बताओ लेडी विद द लैम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्स के नाम से फ्लोरेंस नाइटेंगल को ही जाना जाता है, तो ऑप्शन देखकर इसको टिक कर देना। दोस्तों अभी पिछले महीने की बात है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतना बताने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि जहां पर भी आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगल का नाम सुने तो आपको सीधे आंसर टिक कर देना है नर्सिंग के क्षेत्र में, यानी कि ये जो पुरस्कार है ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक नया डिवीजन जिसका नाम है NEST नेस्ट बनाए जाने की घोषणा कर दी है, नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर देखो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक छोटे छोटे टर्म है जिनमें घुमा दिया गया है। यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेना, नेस्ट का फुल फॉर्म है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक बार मन में इसको रिवाइज करेंगे, एक बार यहाँ पर मैं इसको छोटा सा इसको पतली लाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको रिवाइज करेंगे कि हाल ही में विदेश मंत्रालय एक नया डिवीजन खोलने जा रहा है, जिस डिवीजन का नाम होगा द न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट होगा इसका काम क्या होगा? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब होता है उभरती हुई, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया आजकल की रिसेंट में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी कि जितनी भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी होगी उसके बारे में ये विभाग जो होगा वो डिस्कशन करेगा, सरकार को सजेस्ट करेगा। जैसे इस समय की अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो उसको लेकर ये डील करेगा। साथ ही साथ में एक और चीज़ है 5G टेक्नोलॉजी, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भागीदारी करेगा, सरकार को अर्निंग के स्रोत बताएगा, नए नए इमर्जिंग जो सोर्सेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस नए डिवीज़न में डिस्कस करी जाएंगी। साथ ही साथ में चूंकि ये विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से इस समय के विदेश मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है इस समय के विदेश मंत्री हैं, जिनका की फोटो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा जयशंकर का फोटो, जो कि इस समय भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसको जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह इस वीडियो को जिम्मेदारी के साथ में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ये इकलौती आपकी जिम्मेदारी है जो कि मेरे द्वारा आपको दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग, जिसका नाम होता है KVIC, ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर शुरू किया है? तो ये जो सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है इसको हाल ही में शुरू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाल ही में KVIC ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है गुजरात में शुरू कर दिया है। यहाँ पर इसका KVIC का फोटो देख सकते हैं, अगर आप सबको KVIC का
फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना होता है खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक्चुअल में ये जो सिल्क प्लांट खोला गया है, इसको खास करके पटोला साड़ी बनाने में जो सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए खोला गया है। पटोला साड़ी क्या होती है, ये बहुत ही धनाढ्य यानी कि बहुत ही पैसे वाली जो औरतें होती हैं वो इस टाइप के सिल्क की साड़ियाँ पसंद करती हैं, इस वजह से उनकी आपूर्ति करने के लिए इस प्रकार के सिल्क का यहाँ पर शोधन किया जाएगा। ठीक है, तो ये गुजरात के सुरेंद्र नगर में इस प्लांट को खोला जाएगा। अब इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि चूंकि ये क्वेश्चन गुजरात से संबंधित है, गुजरात के सीएम का नाम आपको बताना चाहिए विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत, और वहां की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, ये उससे जुड़ी ही इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न है कि फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप है इसको हाल ही में दिल्ली में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कि फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इस इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इस बार इस इवेंट को सीआरपीएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पर इस फोटो में आप पीछे देख सकते हैं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 जिसको दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं जिसमें इस इवेंट में अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें कि अलग अलग राज्य के टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिसमें देखो साफ साफ लिखा है कि इसको 3 से 7 जनवरी 2020 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो इवेंट है जिसका नाम है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इसको हाल ही में लेह में शुरू किया गया है, और इस बार ये जो चैंपियनशिप है ये पांचवी चैंपियनशिप है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है IHAI जिसका फुल फॉर्म होता है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी हाल ही में कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उत्तर प्रदेश ने दामिनी नाम की एक योजना की शुरुआत करी थी, उसी के तर्ज पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत किस राज्य में करी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी रिसेंट में चुनाव हुए थे जिसमें कि उद्धव ठाकरे को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था, वहीं पर साइबर सेफ वुमेन नाम की पहल की शुरुआत करी गई है। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं जिसमें कि महाराष्ट्र के सीएम आपको दिख रहे होंगे, जिसमें देखो लिखा है साइबर सेफ वुमेन, ठीक है, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर इसमें इस पहल की शुरुआत करी गई है। एक और फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि साइबर सेफ वुमेन और महाराष्ट्र के सीएम का फोटो लगा रखा है, सो दैट आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। इस समय महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल का नाम है भगत सिंह केसरिया कोश्यारी, और राजधानी है मुंबई। दोस्तों एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मानव ठक्कर, मानव ठक्कर ने ITTF में जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो ITTF ने एक रैंकिंग जारी करी है जिसमें कि पहले स्थान पर आए हैं मानव ठक्कर, तो ये जो मानव ठक्कर हैं ये टेबल टेनिस गेम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव ठक्कर, जिनका की फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से पता चल जाए कि मानव ठक्कर जो हैं ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनको जिनको हाल ही में ITTF ने जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर की मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर में मुफ्त वाईफाई शुरू करने की घोषणा कर दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि दिल्ली मेट्रो ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपनी एयरपोर्ट लाइन पर मुफ्त में वाईफाई प्रोवाइड कराएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में युद्ध में बच्चों पर कितने गुना ज़्यादा हमले हुए हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों पर जो हमले होते हैं युद्ध में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो अब 3 गुनी हो चुकी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 सेकंड में। देखो क्वेश्चन है कि ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ ये घोषित किया है WHO ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने किया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है, तो ये नर्सिंग से संबंधित है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था कि नेस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन किया था कि KVIC ने हाल ही में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर शुरू किया है, तो गुजरात में इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाल ही में चौथा ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुआ है, ये दिल्ली में शुरू किया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पांचवा IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसको लेह में शुरू किया गया है। उसके बाद में पढ़ा था कि ईरान ने हाल ही में किसे अपना नया कमांडर बना दिया है, तो इस्माइल कानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाल ही में साइबर सेफ वुमेन किस राज्य में लागू की गई है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। उसके बाद में हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि हाल ही में IEEF में शीर्ष स्थान पर आने वाले मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है, तो लॉन इसमें टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि मुफ्त वाईफाई कौन सा मेट्रो देगी एयरपोर्ट लाइन पर, तो दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बच्चों पर जो हमले होते हैं युद्ध में वो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कितने गुने बढ़ गए हैं, तो 3 गुना हो गए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से एक हेल्पलाइन नंबर को जारी कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको ये जो डेली बेसिस पर ये जो PDF है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसको लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जिसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को ऑन करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको चालू करना है जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो। फिर उसके बाद में आपको वहां पर सर्च करना है हमारे चैनल का नाम, जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। ठीक है, टारगेट स्टडी IQ आप जैसे ही सर्च करोगे आपको एक चैनल मिल जाएगा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, जिस पर 285,000 लोग पहले से जुड़े हुए हैं। उसी पर आपको डेली बेसिस पर इस PDF को फ्री में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।